चाहे 1000 किलोमीटर का सफर हो चाहे 2000 किलोमीटर का सफर हो, इस गाड़ी में कहीं भी बंदे आराम से जा सकते हैं। इस गाड़ी में जो स्पेस है भाई, भर भर के कूट कूट के, मतलब वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। दोस्त सामने खड़ी एक ऐसी गाड़ी, या तो इसे टोयोटा इनोवा कह लो या तो इसे सुजुकी की इनविक्टो कह लो, मतलब ये गाड़ी वो वाली गाड़ी है जो कि मतलब आपके 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है, साथ ही साथ में इस गाड़ी में 8 सीटर का कॉन्फ़िगरेशन इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति की हिसाब से आने वाली इनविक्टो की। अब ये जो वेरियंट खड़ा हुआ है ये इसका बेस मॉडल खड़ा हुआ है, ठीक। बेस मॉडल जो आपको पड़ता है लमसम आपको 25,21,000 रुपए से इसकी एक्सशोरूम शुरुआत होती है। अब इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्या क्या इस गाड़ी में फीचर्स ऑफर हो रहे हैं, कैसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये गाड़ी आती है, कौन सा इंजन प्रोड्यूस होता है, मतलब क्या क्या इस गाड़ी में आप चीजें देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर इसके वॉक अराउंड बात कर लिया तो आगे से देखने में कुछ गाड़ी ऐसी लगती है, जब आप इसके साइड में जाओगे तो साइड से देखने में कुछ गाड़ी ऐसी लगती है। मतलब एक बार इसका वॉकग्राउंड देखो आप, जो इसका ह्यूज सा मतलब डिजाइन है ना, बहुत बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ा डिजाइन जिसे कहते हैं, मतलब एक तरह की इनोवा ही है ये। इनोवा एक तरह की क्या मतलब, ये इनोवा ये दोनों बस सब कंपनी बन चुकी है, इसलिए बस नाम चेंज करके आती है। यहाँ पे आपको इनविक्टो देखने को मिल जाएगा, अगर ये टोयोटा की तरफ से होती तो यहाँ पे आपको इनोवा लिख के मिल जाता, ठीक। इसकी बात करता हूँ मैं डिटेल में, इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर बात करिए इस गाड़ी की फ्रंट से, फ्रंट से जब बात करो ऐसी इसमें आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक के अंदर रहने वाली है। क्रोम का काफी ज्यादा यूज करा गया है, यहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा, नीचे की तरफ क्रोम देखने मिलेगा और यहाँ पे आपको ब्लैक के अंदर ऊपर बड़ी वाली ग्रिल देखने को मिल जाएगी। इस तरफ से जब आप आओगे तो इसमें आपको यहाँ पे आपको एलईडी देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ में नीचे की तरफ जब बढ़ोगे तो इसका ये फॉग लैंप है ये भी आपको एलईडी के अंदर देखने को मिल जाएगा। मतलब ये भी यूनिट और ये भी यूनिट, ये दोनों यूनिट आपको एलईडी के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बड़ा लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और ये नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको यहाँ पे दी गई है। मतलब आगे से देखने पर तो जो पहले की जो क्रिस्टा आती थी उसके कंपेरिजन में गाड़ी पूरी बदल दी गई, मतलब ये कह लो कि चाहे जो है इस गाड़ी की वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आप उसको सामने से देखोगे ना तो पहले फॉर्चुनर होती थी जैसे, मतलब फॉर्चुनर से थोड़ी बहुत छोटी लगती थी इनोवा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये पूरी पूरी फॉर्चुनर जितनी बड़ी ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक। इस साइड से जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये जो डिजाइन दिया है ना ये भी पूरा का पूरा आपको बदल दिया गया, मतलब गाड़ी थोड़ी बहुत पहले से लंबी हो गई और ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है। देखो फिर लोग सुजुकी के लिए कंसर्न में रहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी कैसे बना ली है, तो ये मत भूल जाना कि ये गाड़ी टोयोटा की है, सुजुकी बस इस पर बैज लगा के बेच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी बिल्ड क्वालिटी है। रियली मैं बता रहा हूँ, अभी मैं इस गाड़ी का जब अंदर बैठा तो इसके डोर है ना ये देखो, मतलब बहुत मोटा थर्ड सा आपको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक। व्हील साइज की तरफ जब आप बढ़ोगे तो व्हील साइज में आपको बता दूं यहाँ पे तो 215/60/17 का टायर आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा, कुछ मतलब सिमिलर साइज से बलिनो में आपने देखा अलॉय व्हील बिल्कुल सेम टू सेम वैसा था आपको देखने में लगेगा, ठीक। जैसे जब आप बढ़ोगे तो पीछे अगर आपको मैं बताऊँ व्हील साइज का रहने वाला तो पीछे भी सेम आपको व्हील साइज देखने को मिलेगा जिसमें आपको गुडियर का टायर कंपनी लगा के दे रही है। और व्हील साइज की अगर बात करिए तो 215/60/17 का टायर आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज अच्छी यहाँ क्या देखने को मिली, यहाँ पे आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिला है, ठीक है। साइड से जब आप आओगे तो साइड में यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ओआरवीएम दिया गया जो कि काफी बड़ा सा ओआरवीएम आपको देखने मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे कंपनी को बड़ा ही आरबीएम देना था। आपको एलईडी देखने को मिल जाएगी, बेस मॉडल में आपको कोई फेंडर के ऊपर यहाँ पे लाइट नहीं देखने मिलती है, आपको इंटीग्रेटेड के अंदर ही लाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक। और पीछे से बढ़ोगे तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में आपको ना मतलब जैसे ये गाड़ी आपके पास इसकी चाबी है तो जब देखो चाबी की बात हो रही है तो चाबी भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी आपको उसमें चाबी देखने को मिल जाएगी, मतलब जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर जो आती थी ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसी चाबी देखने को मिलेगी, तो सुजुकी का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, ठीक। लॉक अनलॉक सिंपल सी चाबी, कोई ज्यादा इसमें वाले फीचर नहीं है, ठीक। चीज मुझे अच्छी लगी जैसे मतलब आपको दिखाऊं, जैसे मैंने गाड़ी लॉक कर दी, गाड़ी लॉक हो गई, इसके शीशे हो गए फोल्ड, ठीक। अब सपोज करो कि मेरे जेब में चाबी रखी हुई और मैं चलता बन रहा हूँ गाड़ी की तरफ और ये ड्राइवर साइड वो है और ये नॉर्मल साइड है, ठीक है, गाड़ी अनलॉक नहीं है, ठीक। वैसे ही मैं आऊंगा और इसको खींचूंगा तो ये देखना अपने आप अनलॉक हो जाएगी, देखा वो अपने आप खुल गया और मतलब मैं अपनी गाड़ी के अंदर जा सकता हूँ, मतलब मैंने कोई बटन नहीं दबाया, सेंस कर लेती कि चाबी जो है इसके एरिया के अंदर ही है, ठीक। तो ये अच्छी चीज लगी, मतलब बेस मॉडल से ऐसे ऐसे फीचर आपको उस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाए, अच्छी चीज है, ठीक। पीछे की तरफ से जब आप बढ़ोगे तो पीछे मतलब आपको मैं डिजाइन दिखा दूंगी, और इसका पीछे तो कुछ ऐसा डिजाइन रहने वाला है, ये जो चीज रहने वाली है ना ये आपकी एलईडी के अंदर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में ये जो नीचे दिख रहा है आपको ये आपको हैलोजन में देखने को मिलेगा, ये इंडिकेटर और ये इसकी बैक गियर की लाइट है और इनविक्टो की बैजिंग यहाँ पर आपको ऐसी कुछ देखने को मिल जाती है। सुजुकी के लोगो आपको पीछे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका रियर वाइपर, यहाँ पे आपको कोई भी डिफॉगर नहीं ऑफर कराए गए हैं, इधर आपको स्टोम्बलम देखने को मिल जाएगा स्पॉइलर के साथ, वहाँ पे ऊपर आपको ट्रैक्शन एंटीना देखने को मिल जाएगा। थोड़ी बहुत बूट स्पेस की अगर बात हो रही है तो बूट स्पेस में आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, इतना प्रकार का इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। मतलब एक तो देखो 7 सीटर ये गाड़ी है, ये आपको दो वेरिएंट मिलती है, एक 7 सीटर और एक 8 सीटर वाली, ठीक। और 7 सीटर के हिसाब से भाई इतना मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा स्पेस आपको ऑफर कराया गया, आपको जगह दी गई थोड़ी बहुत अपना सामान रख सकते हो और यहाँ पे ना नीचे जब आप बढ़ोगे ये जो चीज है यहाँ से आप अपना पैर उतार सकते हो, एक लाइट आपको यहाँ पे दी गई है, ये 5 सीटर जो है इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक। अब मैं आपको बता दूं ये जो गाड़ी है ये केवल आपको हाइब्रिड वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलती है, सब गाड़ियों में आपको हाइब्रिड वाला फीचर देखने को मिलेगा, ठीक। अंदर जब इसकी बात करो तो सबसे पहले भाई मतलब इतना भारी डोर, लिटरली मतलब बहुत ही ज्यादा भारी डोर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी जो है वो 5 स्टार वाली है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। जब आप इसके इधर से आओगे तो यहाँ पे आपको डोर्स में देखने को मिलेगा कुछ ऐसा सा टच जो कि आपको ब्राउन ब्राउन सा देखने को मिलता है, विंडोज के पावर वाले दिए गए, लॉक और अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया गया। जब गाड़ी में आप चढ़ोगे तो मैं आपको एक बार चढ़ के दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा।
तो सबसे पहले अगर शुरुआत कर लीजिए गाड़ी की सीटिंग हाइट से, कि सीटिंग हाइट गाड़ी की कैसी है। तो सीटिंग हाइट कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ही ऊंची नजर आ रही है, जैसे पहले जो इनोवा होती है ना उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी काफी ज्यादा ऊंची आपको नजर आएगी। ठीक, इधर से जब मैं बात करूंगा तो इधर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सारे म्यूजिक के कंट्रोल है, यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल दिया गया है। ठीक है, इस साइड से जब आऊंगा तो यहाँ पे आपको गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक वाला गियरबॉक्स होने वाला, और ये काफी ज्यादा ड्राइव मोड के साथ आता है। यहाँ पे ड्राइव मोड है और यहाँ पे ईवी मोड्स है और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और हिल होल्ड का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। ठीक, ये जो लेआउट है ना ये काफी अच्छा देखने को मिलेगा, बल्कि काफी खुला खुला सा कैबिन है। जब आप इसमें बैठोगे ना तो बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आप काफी खुले से कैबिन के अंदर बैठोगे, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला। इधर से जब आप आओगे तो इधर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यूएसबी टाइप का चार्जर और यहाँ पे आपको टाइप सी वाला चार्जर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा डीप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्यादा डीप कप होल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट कुछ यहाँ पे ऐसा दिया गया जो कि स्लाइडिंग वाला नहीं है, और अगर खुलने की बात करी जाए तो कुछ ऐसा खुलता, मतलब ये काफी यूनिक है, इस साइड में खुलता है। इधर से मैं बात करूंगा तो इधर आपको ये जो चीज है ना, ये एसओएस का बटन यहाँ पे दिया गया, ये जो लाइट्स हैं यहाँ पे आपको हेलोजन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो ये तो बात होगी इसके आगे आगे। साहब इसका एक बार स्पीडोमीटर भी आपको मैं जला के दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसा इसमें यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका टेम्परेचर की वार्निंग आती है, यहाँ पे आप अपना फ्यूल देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको ये जो चीज दिख रहा है, ये लोगो जो है यहाँ पे आपको ये सब बता रहा है कि सीट बेल्ट किस किस पर्सन ने नहीं लगाई हुई। तो ये तो बात होगी इसकी कुछ आगे से। ठीक, अब इसकी मैं बात करता हूँ पीछे से, पीछे से इस गाड़ी में क्या मजा दिया गया। बार बार इनोवा इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये दोनों गाड़ी सेम है, इनविक्टो कह लो चाहे इनोवा कह लो, बिल्कुल दोनों गाड़ी एकदम सेम है। बस आपके मन में कि आप सुजुकी से लेना चाहते हो या टोयोटा से लेना चाहते हो। ठीक है, जब आप पीछे जाओगे तो मतलब पीछे वाला जो डोर है ना ये बहुत भारी डोर है, ऐसा वैसा मतलब इतना बड़ा डोर जैसा अर्टिगा में देखने को मिलता ना उससे भी बड़ा डोर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंपनी तरफ से आपको नेट लगा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह दी, मतलब हर एक चीज में बड़ी क्यों दी है, देख रहे हो इसमें आराम से आपकी चाबी भी आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे अपनी बोतल रखते हो, यहाँ पे छोटी मोटी चीज रखते हो, कुछ ऐसी सीट इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। इस गाड़ी में आपको कैप्टन सीट देखने को मिल जाती है, ये 7 सीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इस गाड़ी में आपको 8 सीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलता है। जब मैं गाड़ी में बात करता हूँ कि बैठ के कैसा आपको फील होने वाला, सबसे पहले जब मैं गाड़ी में बैठूंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में जो स्पेस है भाई भर भर के कूट कूट के, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेस गाड़ी में आपको ऑफर कराया गया। ये देख रहे हो अभी मेरे हिसाब से सीट एडजस्ट है, और ये देखो ये मतलब मेरे हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा, लिटरली इतनी दूर आपको देखने को मिलेगा। और मैं चाहूं तो उसको पीछे भी कर सकता हूं, यहाँ पे इसके बटन से दिए गए हैं, ये देख रहे हो, इसे मैं खींच दूंगा तो ये पीछे बढ़ जाती है, और मतलब इतना मैं ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल बना सकता हूँ। मतलब ये देख रहे हो, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इतनी बड़ी गाड़ी है 7 सीटर इनविक्टो, तब भी आपको स्पेस ना मिले तो क्या ही फायदा। यहाँ पे आपके कप होल्डर्स दे दिए गए और यहाँ पे आपको कैप्टन सीट दी गई है, आर्मरेस्ट आपको डेडिकेटेड दिए गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक, जब आप रूफ देखो तो रूफ में कुछ ऐसी लाइट दी गई जो कि आपको रात में चलती रहेगी, एम्बिएंट लाइट टाइप की है। ठीक, एसी की अगर बात करिए तो एसी एक यहाँ पे डेडिकेटेड दिया गया, पीछे वाले लोगों के लिए यहाँ पे एसी डेडिकेटेड दिया गया। इनके कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको चार्जिंग के पोर्ट देखने मिल जाएंगे जो दोनों के दोनों टाइप सी वाले रहने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा सामान लटका सकते हो, यहाँ पे दिया गया ये हुक टाइप का। ठीक, यहाँ पे आपको मैगजीन और होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपनी आराम से मैगजीन वैगजीन रख सकते हो। तो ये तो बात हुई इसके पीछे से, पीछे यहाँ पे आपको क्या देखने मिल जाएगा, बस एक चीज जानो इसमें पीछे कंफर्ट बहुत है। एक बार मैं आपको इसमें अपना हेडरूम भी दिखा दूं, तो हेडरूम इसमें आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा। मतलब देख रहा हूँ छत तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो मतलब मैं लड़ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। मैं होता ना कि आप ये गाड़ी में लड़ जाता सर, तो उसमें बिल्कुल भी लड़ने नहीं वाला, क्योंकि भाई स्पेस इस गाड़ी में इतना कहां से लड़ेगा। मैं आपको सबसे पीछे बैठ के दिखा दूँ कि इस गाड़ी में आपको सबसे पीछे कैसा आपको बैठ महसूस होगा। ठीक, सबसे पीछे जाने के लिए इसमें मैं आपको बताऊं तो गेट खोलना पड़ेगा वैसे मेरे को। सबसे पीछे जाने के लिए यहाँ पे आपको ये जो है ना ये इसको यहाँ पे ऐसे करना और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, ये ऐसे कुछ पड़ जाती है। ठीक, फिर आप अपना आराम से इसमें अंदर जा सकते हो। मैं यहाँ पे आ गया हूँ सबसे पीछे वाली रो के अंदर। अब ये जो रो है ना अभी तो बिल्कुल स्ट्रेट सी बैठी हुई है, अब मैं इसको चाहूं तो मैं इसको थोड़ा बहुत लिटा भी सकता हूँ, लीन कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली क्या यहाँ पे ये जो चीज है ना इससे मैं इसको ऐसे करके लीन कर सकता हूँ। मान के चलो मैं जा रहा हूँ आराम से और ये सीट को मैं पीछे ले आता हूँ, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी। तो पीछे जब आप आओगे तो लिटरली इसमें पीछे भी स्पेस आपको देखने को मिलता है। आज तक कोई भी 7 सीटर मेरे को ऐसी नहीं लगी जिसमें आपको पीछे स्पेस देखने मिलता हो, अंटिल एंड अनलेस तो इनविक्टो हो या इनोवा हो या टाटा सफारी जो आती है उसमें आपको पीछे बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। पर 7 सीटर जैसे बोलते हैं तो ये होती है प्रॉपर 7 सीटर, जो आजकल बाजार में नई नई चल गई ना वैसी 7 सीटर नहीं होती। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड एसी देखने को मिल गया, यहाँ ग्रैब हैंडल दिया ताकि आप थोड़ा बहुत हिले विले ना। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट्स भी देखने को मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे दिए गए यहाँ पे आप आराम से अपने ड्रिंक्स व्रिंक्स रख सकते हो, और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप अपना फोन वोन रख सकते हो। तो ठीक, पीछे से तो कुछ इतनी बात हो गई, मतलब टोटली मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको बैठने वाली जो वाइब आने वाली है वो कहीं ना कहीं बहुत ही आराम से, मतलब इसमें आराम से जो कहते हैं 7 बंदे कहीं भी जाने को तैयार हो, चाहे 500 किलोमीटर का सफर हो, चाहे 1000 किलोमीटर का सफर हो, चाहे 2000 किलोमीटर का सफर हो, इस गाड़ी में कहीं भी बंदे आराम से जा सकते हैं। और मेन बात आती है इसकी इंजन की तरफ, अगर इसके इंजन की तरफ जाओगे तो 2000 सीसी के इंजन इसमें कंपनी की तरफ से दिया गया। अभी इंजन कैसा इंजन है मैं आपको बता दूं, 150 BHP आपको प्रोड्यूस करके देता है, साथ ही साथ 188 Nm का आपको ये टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। अब ये जो इंजन इसमें रहने वाला है ये ECVT गियरबॉक्स के साथ आता है, जो कि हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अगर एवरेज
की बात करी जाए, इसके माइलेज की बात करी जाए, तो लमसम लमसम आपको ये रोड पर आता था 18 तक का माइलेज आराम से देता रहेगा। अब इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से मतलब आप ये चीज सोचो कि 18 का एवरेज भाई, एक तो इतनी बड़ी गाड़ी होगी, 7 सीटर कॉन्फिगरेशन 8 सीटर कॉन्फिगरेशन दोनों के साथ आती है और इसमें आपको 18 का भी माइलेज मिल गया, तो और आपको क्या ही चाहिए। सो दोस्तों बस आज की वीडियो केवल इतनी थी कि मतलब मैंने आपको बताया कि जो अगर आप सुजुकी की इन्विक्टो लेने जा रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या देखने मिल जाएगा और इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर देखने मिलते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप लोगों कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आप बरेली से हो और आप सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हो या कह लो नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हो तो आप मिनी बाईपास रोड पे जो नेक्सा का कोरल मोटर बना हुआ है वहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप जाके अपनी डील ग्रैब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।